ये गोमती नदी है। नहीं, गोमती नदी नीचे है, वो बह रही है, ये एक्वीडक्ट है यहाँ का। एकदम शानदार रोड है भाई, मजा आ गया। आप देखो तो दोस्तों, क्या हाल चाल है, गुड आफ्टरनून गाइज एवरीवन। आज मैं जा रहा हूँ अपने एक ड्रीम राइडर से मिलने, जिनका नाम है रोविंग लामा सौरभ पांडे। वो अभी ऑल इंडिया राइड पे चले थे, लखनऊ से अभी गुजर रहे हैं, अंदर तो नहीं आएंगे, आउटर से चले जाएंगे। तो मेरी उनसे बात हुई थी और कुछ मिलने का छोटा मोटा प्लान बना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ, ऑल सेट हूँ। छोटी सी राइड भी लूँगा उनके साथ, उनकी जर्नी में एक पार्ट बनूँगा जहाँ तक चल पाएंगे। मैं एक्साइटेड हूँ यार, मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे है खूबचाम भरी रोड, आज पता नहीं क्यों मैंने यहाँ से मोड़ लिया है। कब तक बनेगा यार ये पुल, बहुत समय हो गया है अभी तक बनना ही नहीं। मैं वहाँ जाके वेट कर लूँगा, यहाँ पे वेट नहीं करना मेरे को, साफ सीधी बात है। देख रहा हूँ भाई, आज मैं कितने महीनों बाद इस रोड पे आया हूँ, तो वो जल्दी पहुँचना है इसलिए। बस ये वाला ब्रिज जो है ना, बन जाएगा तो एकदम भाई फर्राटेदार निकल जाओ बाहर बाहर, मतलब बाईपास बन गया एक तरह से देखा जाए तो। अगर कोई उधर से आ रहा है वाराणसी से दिल्ली जाना है तो सबसे बेस्ट रूट रहेगा ये, सीधे चढ़ो बाईपास ही पकड़ लो, कोई टेंशन नहीं। बाहर से अच्छा ही है, अंदर वाला पुल हो गया है, हो जाएगा, मतलब अभी नहीं हुआ है। अरे वाह, ये वाला रोड पे जाम नहीं लगा, बहुत सही। ओ यार, मुंह पे किसने मार दिया यार फुव्वारा। ओहो, ऐसे पुल बना दिए होते सिंपल, वहाँ डब्लू बनाने लग गए, ये बन के तैयार हो जाता इतने में। देख कितना बगल बगल बन गया है। थोड़ा सा माइनर सा गैप बचा है बस बीच में। अच्छा, अलग अलग लेन का बन गया है, दो लेन, एक लेन इधर है, उधर अलग लेन है, दोनों जुड़ी हुई नहीं है, ये चलो सही है। तो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं शहीद पथ के ऊपर। अब फिलहाल इंतज़ार है मुझे मिलने का सौरभ भाई से, बाकी राइड में तो यार मजा आ गई। आज रोड में ट्रैफिक होने के बावजूद इतना ओपन स्पेस मिला है ना मुझे, वो भी इंटीरियर लखनऊ में, ये मतलब बहुत कम मिलने वाली ऐसी चीज़ है, तो अच्छा है, इस बार मज़ा आ गया। देखा ही होगा आपने, आज तो दिन अच्छा है भाई। अरे बाबा, ये कहाँ टहल रहा है यार। ठीक है, काम करना है, लेकिन कुछ इनको जैकेट वगैरह देनी चाहिए, पता तो चले दूर से विजिबिलिटी। ये है प्लास्टियो मॉल, लखनऊ का सबसे अच्छा मॉल जिसे बोलेंगे, बड़ा तो लुलू है, ये अच्छे में आता है। ये रात को जब लाइट जलती है तो भाई बहुत बेहतरीन लगता है। हो भाई साहब, अभी जस्ट मीटिंग हुई है, अब आगे जाएंगे, वहाँ रुकेंगे जाके, सर भाई से मिले हैं। हाँ, पीछे से दिखा रहा है, उधर से है, रुके मैं भी चेक कर लेता हूँ पीछे। चलिए आप आगे चल लो, तो
हाँ यही है। ये देख रहे हैं, ये इंदिरा डैम है यहाँ का। ये हाँ, नीचे से गोमती नदी जा रही है, ऊपर से ये इंदिरा कैनाल जा रही है। शारदा कैनाल लिखा हुआ है। हाँ इंदिरा मतलब शारदा है, इंदिरा कैनाल यहाँ नाम बोलते हैं, इंदिरा कैनाल बोलते हैं। ये सबसे लंबी कैनाल है यहाँ की। अगर आप देखना चाहो तो आगे से ऊपर से जाके देख सकते हो, बहुत बढ़िया दिखता है यहाँ पे। हाँ सुनाई नहीं दे रहा। यही इसी को ही बोलते हैं, है वो कैनाल लेकिन डैम डैम पड़ गया इसका। आगे आगे व्यू आ गया ये। ये है, अभी तो काफी कम है पानी, ऊपर यहां तक पानी रहता है। अच्छा ये मतलब ये टच करता है जो स्लैब पड़ी है। हाँ अच्छा 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 ये गोमती नदी है, कहाँ नहीं, गोमती नदी नीचे है, से बह रही है? वो बह रही है। ये एक्विडक्ट है यहाँ का। ये आपको देखना हो देख लो थोड़ी देर। क्या बोला? तो आप निकलोगे आज सीधे, मतलब नॉन स्टॉप देहरादून? नहीं, मैं कोशिश करूंगा बरेली के आसपास रहूंगा। देहरादून बरेली? अच्छा हाँ कर लेता, लेकिन दिक्कत ये है कि साला उधर घाटी है, हाँ 20-25 किलोमीटर का, वो सिर्फ रात को बंद भी कर देते रास्ता वो। हाँ रुकना चाहो आप यहाँ रुक सकते हो, नहीं सुबह निकल लेना और क्या तड़का है। निकलते वक्त जितना हो सकता चीज देते। हाँ सुबह तो रूट सही रहता है उधर का, सीतापुर रोड। सही तो रहता है। आइए आइए, तो दोस्तों ये है इंदिरा डैम के किनारे वाली रोड, इंदिरा कैनाल। फिलहाल हम लोग आगे जा रहे हैं।
आगे चलिए, राइट साइड आइए, व्यू आपको दिखेगा, इधर आइए पुल के साइड पर। अच्छा, सामने से ट्रैफिक आ रहा है उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये राइट साइड में आपको ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो पूरा इंदिरा डैम, इंदिरा कैनाल दिखेगी बढ़िया। ठीक 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 ठीक। अरे वाह, ये देखो यार, ये देखो सामने पूरा कैनाल दिख रहा है, दोनों साइड लखनऊ सिटी है ना ये? हाँ, सिटी है लखनऊ। अभी आगे पुल है, फिर वहां से भी आपको दिखेगा व्यू। इधर आपके लेफ्ट साइड में अंदर पूरा, फिर यहाँ से लखनऊ शहर शुरू है। क्या है? लखनऊ शहर इधर से शुरू है मेन पूरा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। और यहाँ का सबसे मशहूर बड़ा कॉलेज बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, वो सामने है उधर। क्या है क्या है? बाबू बनारसी दास बीबीडी यूनिवर्सिटी, सुना होगा बनारसी दास कॉलेज। हाँ हाँ, अरे भैया यहाँ पढ़ चुके यार, पता है मेरे को, गया गया वो मैं कॉलेज के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया। हाँ, तो गाइस हम ये लखनऊ शहर को बाईपास करते हुए एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जून, यहाँ से 569 किलोमीटर मोर। आपको क्रूज ट्राई करना है क्या? क्रूज क्रूज ट्राई करना है? क्रूज? हाँ। अरे तो उनको लिंक भेज देना, हम इसको बिना पहले लगेज के साथ ट्राई करेंगे। लगेज अभी ले लीजिए अपने, उस पर लगा के देखिए। अरे ठीक है चलो, बाद में ट्राई करेंगे अभी। अच्छा, हाईवे पे एक्सपेरिमेंट नहीं। ये भी बात सही है। नहीं, लिंक, 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 लिंक भेज देना इसका, ठीक है? यूज तो हाईवे पे ही करने वाला है इसको। हाँ, अब देहरादून जाके ट्राई करते हैं इसको, ये तो बहुत मस्त चीज है, आ रही है, मजा आ गया। अरे मैं सोचता था लोग कैसे छोड़ रहे थे, मैंने पता है बिना, ये तुम्हारे बैक पीछे लटक रहा है यार, देख लेना एक बार, दूसरी साइड वाला इधर उसका पट्टा लटक रहा है, इसको तो ठीक कर लो, फंस गया दिक्कत हो जाएगी। खाली है ना, उड़ गया होगा। आप बढ़ो आगे, मैं पकड़ लूंगा। यार क्या रोड बना दी है इधर, बढ़िया व्यू एकदम शानदार, बहुत अच्छी रोड बना दी है इधर, पहले नहीं थी ये, यहाँ तो राइड करने में मजा ही आ जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात है इस पर ट्रैफिक नहीं है, एकदम शानदार रोड है भाई, मजा आ गया। आप देखो एकदम बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल। निशान भाई, हम लोग अभी कहाँ पे आए? हम लोग हैं लखनऊ के थोड़ा सा बाहर, 10-20 किलोमीटर लगभग। ये है फौजी ढाबा, मशहूर यहाँ का लखनऊ का। हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके हैं भाई, तो देखो डेजर्ट तो बाद में, डेजर्ट हम इस बार पहले ही खा रहे हैं। ये निशान भाई लेकर आए अपने लिए, क्या बोलते हैं इसको, काली गाजर का हलवा। काली गाजर का हलवा, अरे सर ये मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। लेकिन ये ठंडा हो गया होगा, गर्म खाइएगा तब मजा आएगी, थोड़ा टेस्ट नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे यार एक यहाँ की गुलाबी चाय भी है। अच्छा, और आपने नहीं पी होगी तो कभी अगली बार आइएगा, गुलाबी चाय का एक्सपीरियंस। अब यार देखो अयोध्या आना होगा ना, तब आएंगे यहाँ पे और साथ में चलेंगे अयोध्या में। शानदार, क्या घर पे बनाया गया? घर पे बनने में टाइम ही कहाँ खर्चना, वरना बनता तो है। ठंडियों में हर जगह मिलेगा, काली गाजर हलवा। अच्छा, हमारे लखनऊ में, और आपका मलाई मक्खन हो गया, जो दौलत की चाट आप बोलते हो दिल्ली में। हाँ हाँ हाँ, ये तो हम बहुत खाए हैं, बन मक्खन जो है यूनिवर्सिटी तो रहा है ना कोई। हाँ हाँ हाँ, उधर बहुत खाए हैं बन मक्खन, तो दूसरी चीज़ हो गई वो, तो आप शर्मा चाय का बता रहे हो, सफेद मक्खन जो होता है। हाँ, वो शर्मा चाय है, वो हम सोचते थे जब अंदर से अगर आएंगे तो वहाँ ले जाने का सोचे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो यूनिवर्सिटी वाले एरिया में है ना पूरा। हाँ हाँ, ये एक चीज़ है।
इससे बनाया इस वाले से। अरे फोटो के अच्छा फोटो का एनिमेट किया गया नहीं नहीं वीडियो पूरा वीडियो वो तो आप मेरे वो करते हो ना अभी ये देखिएगा। अब तो इन्होंने वो निकाल दिया अपना एक सॉफ्टवेयर अलग से, अगर कुछ भी खराब हो आप सही हो जाएगा, पहले इनका 360 को भेजना पड़ता था। अच्छा अच्छा अरे वाह 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 शानदार क्लैरिटी बहुत सही है तुम्हारा वायरल कॉन्टेंट है, लेकिन तुमने बस एक गलती कर दी पता है क्या, ये बहुत लंबा खिंच गया। हाँ हमारी मतलब जो बनाए हैं मेहनत से वो नहीं वायरल हुई, ये वायरल हुई थी, 5.6 मिलियन आया था इसमें। अच्छा अंकल जी बीच में आ गए थे। अरे यार ये एपिक पे तभी ये वायरल हुआ भाई, मैं बता रहा हूँ यही सब कंटेंट वायरल हुआ, दिल से जो निकलता है ना सीधा वही वायरल वही होता है, जिसको मेहनत करके बनाओ वो नहीं जाएगा कभी, इसमें तो जो रॉ निकलता है ना रॉ फीलिंग वो तो वायरल होगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक इनको फॉलो करते हैं ये है दीप रंजन सचान भाड़े का, उनका भी वो बढ़िया लगता है। मैं एक्सीडेंटली वहां पे मिला था उमलिंगला, अभी मुझे पता नहीं था कि दीप है, अमीन आपका तो भेजा था उसको, हाँ हम ही भेजे थे, जब वो आप निकल गए तो वो हानले टू हानले मार देते हैं। हाँ 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 दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम सौरभ भाई को ड्रॉप करके हम लोग ने खाना वाना खा गया वहाँ पे फौजी ढाबा पे अपने, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, उनकी राइड ज़रूर देखिए बहुत ही अच्छा उनका। ओ इधर कहाँ जाना है एक मिनट, मैं ज़रा रोड क्रॉस करके फिर बात करता हूँ, दो मिनट दीजिए अपनी साइड आ जाऊँ तो फिर बस 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 यहाँ से आ जाऊँगा। बस सब ठीक है। हाँ तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, और फिलहाल हम अपने सौरभ भाई से मिल चुके थे फौजी ढाबा पे, हम लोग ने खाना खाया, और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे शाम को एक पार्टी में भी जाना है, मेरे दोस्त की पहली एनिवर्सरी जो है काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा भाई साहब, उनकी जर्नी जो है ना यार नेक्स्ट लेवल है, आप सभी लोग देखिए एकदम अल्टीमेट उनका है, अच्छा लगा उनको देख के। ओ जी है भाई ओ जी, हम लोग ने कहा वाह, मैं गया था अपना घर से पूरा किसान पथ, वहाँ पे मिला उनसे किसान पथ से थोड़ा आगे जाके गोसाईगंज तक, फिर वहाँ से साथ आए किसान पथ, भाई क्या अल्टीमेट बन गया है, पहले कुछ नहीं बना था अब इस वक्त काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, वो रोड भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल है भाई, मतलब जो नशा हो जाए भाई उस रोड पे गाड़ी चलाने से, अब तो अक्सर जब भी मूड ख़राब होगा भाई जब मन करेगा तब निकल लो, अच्छा मूड हो बुरा मूड हो भाई सीधे किसान पथ जिंदाबाद, वहाँ पर गाड़ी चला के अलग ही फील आता है भाई। लो भाई हम लोग घर आ चुके हैं और फटाफट से तैयार होकर निकलना है, समय थोड़ा सा कम है क्योंकि
देखो कैसी लग रही है आगे, दो लाइटें और लगवाऊंगा मैं, तब कुछ बात बनेगी।